भारत रसायन लिमिटेड, देखिए यानी क्वालिटी कंपनी अगेन। आज देखिए मैं लाने की तो इच्छा थी मुझे कोई एक एनबीएफसी या एचएफसी या फाइनेंस का से रिलेटेड सेगमेंट की कंपनी, बट फिर लगा कि सारे आज बहुत उछाल दे चुके हैं तो इसलिए एक दूसरा स्टॉक लाया जाए। और इसलिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं, और काफी दिनों से मुझे ये रियलाइज हुआ कि भारत रसायन को मैंने काफी बार दिया चैनल पे, बट जेम सीरीज में मैंने रेकमेंड नहीं किया था, तो इसलिए आज पहली बार रेकमेंड कर रहा हूँ। गजब के फंडामेंटल्स है, और 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और 37-38% की ग्रोथ, 19% की प्रॉफिट की सेल्स की कैगर, और प्रॉफिट की कैगर 37%। गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, दिसंबर 35 करोड़ के सामने, दिसंबर 2021 में 46 करोड़, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे चल रही है कंपनी। पिछले 2-3 सालों से, मतलब 2 साल से 200 करोड़ के ऊपर पैसा कमा रही है, और छोटी इक्विटी है इसलिए भाव भी बड़े दिखते हैं। सिर्फ 4 करोड़ की इक्विटी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स और कुछ इनकी ग्रुप कंपनीज है, तो उससे भी इनको काफी सिनर्जी और इंटीग्रेशन मिलता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल ले, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, एनीवेज आई एम वेरी बुलिश ऑन द एग्री इनपुट सेक्टर, तो मुझे लगता है कि आराम से 14,950 और 15,250 के टारगेट्स आने वाले दिनों में दिखाएगा। ओके, तो यह आपके लिए भारत रसायन, जहां पर आपको बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है, अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है काउंटर।